होता है, मार्च में हम जल्दी जल्दी टैक्स प्लानिंग करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर टैक्स प्लानिंग, फिरोज जी आपसे भी समझना चाहोगी, मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे शुरुआती कदम है वो टैक्स प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टैक्स प्लानिंग इन प्लेस है ना तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी अपने आप हो ही जाती है। यस पूजा जी, मैं डेफिनेटली आपकी बात से सहमत हूँ, बट आई थिंक एक टैक्स पेयर को, एक कोई भी निवेशक को या एक सिटीजन को टैक्स के बारे में थोड़ी समझ पहले लेनी चाहिए। आज मैं मिलता हूँ किसी से, बिला उनके 35 करोड़ है। मैंने पूछा सर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, बोलते करते हैं। तो मैंने कहा 5 हेड इनकम टैक्स के बताइए। लोगों को रेस्टोरेंट के मेनू के मेनू याद रह जाते हैं, बट 5 इनकम टैक्स के हेड याद नहीं रहते। वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि 298 सेक्शंस हैं अंदाजन इनकम टैक्स में, हैं आपके लिए 5-7 सेक्शन, उसको रटने के लिए सीए करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट मेरी ये हमेशा इल्तिजा है लोगों से कि थोड़ी सी टैक्स समझ ले, इतनी नहीं समझनी आपको, पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप ये भी देखें कि देश में आज पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की करीबन 2 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 15 लाख कमाने वाले को भी 10-12% की टैक्स देनी है, मतलब आपकी पर कैपिटा इनकम से 7 गुना ज्यादा, 15 लाख रुपए करीबन, उसमें आप 10-12% की टैक्स से छूट सकते हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि भाई इस बजट में मुझे कुछ मिल जाएगा। सो ऑलरेडी टैक्स इज रीजनेबल, दैट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स के नजरिए से नहीं करना चाहिए, उसके मेरिट, फिनेंस के मेरिट के आधार पे करना चाहिए, और टैक्स एक कोलैटरल बेनिफिट जरूर होना चाहिए। जैसे निकुंज भाई ने कहा कि मार्च आ रहा है, तो एक साल की प्लानिंग ना करें, अगले 10 साल की एक बार में हो जाए, तो एक ही चीज बार बार 10 बार क्यों करूं? सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थॉट निकुंज भाई। आई थिंक एक बार में अगले 20 साल की प्लानिंग अगर हो जाए, सो आई थिंक दैट्स। फिर उसमें अगर हम देखें सरकार क्या ट्राई कर रही है, सरकार एक नए टैक्स रिजीम से आई है, जो नए टैक्स रिजीम के अंदर आपके एग्जेम्पशंस कम हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि टैक्स को लेकर के जो भी हम एग्जेम्पशंस लेते थे, यहाँ पर सेव कर लीजिए, इंश्योरेंस खरीद लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, वो FD खोल लीजिए, वह PPF में डाल दीजिए, ये जितना का जितना कॉम्प्लिकेटेड, जिससे हम कहते थे तो जाल था, वो एक सिंप्लीफाई हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो वही है, बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है, बट वो सिंप्लीफाई करने का तात्पर्य क्या है और रीजन क्या हो सकता है? अगर हम देखें इंडिया में पहले इन्वेस्टमेंट होती थी टैक्स के चक्कर में, लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते थे, आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन पे पहले 10 साल फोकस हुआ। 2013 से सेबी ने कहा कि भाई इन्वेस्टर एजुकेशन बजट निकाला जाए, उसका कुल मिला के 8-9 हजार करोड़ खर्च हुआ है। तो अब लोग स्मॉल कैप फंड में 3 हजार करोड़ की SIP कर रहे हैं, उसमें तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो लोगों को पहले एजुकेट किया कि भाई तुम्हें टैक्स की इंसेंटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एजुकेट कर लिया, फिर इंसेंटिव निकाल के सिंप्लीफाइड टैक्सेशन दी, और उसमें रेगुलेटर ने बहुत अच्छी चीजें की हैं। CBDT ने एक सर्कुलर निकाला था, वो देखिए वो लैंडमार्क सर्कुलर था मेरे हिसाब से, एक मैसेज के लिए 2016 फरवरी में, वो ऑलमोस्ट 80% विवाद को सॉल्व कर सकता था। सो आई थिंक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जा रहा है, एडुकेट किया, फिर विवाद सॉल्व किए, फिर सिंप्लिसिटी लाई। आई थिंक दैट्स द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिल्कुल राजन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, अब टैक्स पेयर की अभी तक क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कंसर्न हैं, आप तो बात भी कर रहे होंगे और आप जुड़े भी होंगे काफ़ी क्लोजली उनसे, अभी भी उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, आपको क्या लग रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं टैक्स पेयर के सामने, स्पेशली ऑनेस्ट टैक्स पेयर के सामने? नो पूजा, बहुत बराबर बात किया, बट ज़रा मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा बात करूँगा। यू आर वेरी राइट कि द वे गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग, एंड एज फिरोज ऑल्सो राइटली मैंशन कि गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स, दैट इज वॉट इज हैपनिंग। मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स आर बींग यूज बाय द गवर्नमेंट, एंड बिकॉज ऑफ कॉमन मैन, ऑलमोस्ट अबाउट 97% ऑफ द कॉमन मैन हु आर हैविंग नॉट अ बिजनेस इनकम और कॉर्पोरेट इनकम, they are really getting comfort as to you file the return within 15 days time, aapka return process okay, aapko refund aa jata hai ki tax demand hai to likha jata hai, at least that is a great achievement which has been happening, and that's a simplicity I think everybody was looking for, and your interaction with the tax office has gone down considerably. I think that's a great relief, which is what is I think the great achievement what is being achieved. I think lot of steps have been taken by the government in last few years to simplify, as Firoji rightly mentioned, simplify, first make you understand, simplify, and then
strictly follow the rules. I think if we do all this through things, I think the life is much easier. Pooja, ek main baat wahi bolna chahunga that the world is getting more and more complex. But I think India ek jagah hai jahan pe the tax system is getting more and more simplified. अब देखिए दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है. हम एआई की बात कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं. अगर यूक्रेन में कुछ होता है तो चावल के दाम यहाँ बढ़ जाते हैं. अगर अमेरिका में कुछ हो जाता है तो सीधा प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ता है. द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कनेक्टेड एंड वेरी वेरी हार्ड टू कॉल. मगर टेक्नोलॉजी, इंटेंशन, रूल्स, एजुकेशन, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान का जो टैक्स रिजीम है, मैंने पहली बार इतना सिंपल टैक्स रिजीम देखा है. और शायद हिंदुस्तान में इतना सिंपल टैक्स रिजीम है. मैं दूसरी कंट्रीज़ के टैक्स रिजीम देखता हूँ, इतने सेक्शन हैं, इतनी धाराएं हैं, तो वहाँ का जो टैक्स रिजीम है, आई थिंक इट इज़ फेवर ऑफ लॉयर्स एंड सीएस मोर. आम आदमी के लिए है ही नहीं वहाँ पे कुछ. बिल्कुल, और सरकार कोशिश भी कर रही है. देखिए न्यू टैक्स रिजीम लाने की बात इसलिए की जा रही है, उसको और अट्रैक्टिव बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि सरकार का मकसद ये है कि उसको सिंप्लीफिकेशन करना. हमारे साथ गौरी चड्ढा भी मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से. गौरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए. ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम पर आपसे राय लेना चाहेंगे, इसको लेकर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है टैक्स पेयर के दिमाग में. हालांकि कोशिश तो की जा रही है सरकार की तरफ से कि इसको अट्रैक्टिव बनाए, लेकिन वही दूसरी तरफ डिडक्शन नहीं मिल रहा है, एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है. तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है न्यू टैक्स रिजीम को? क्या कुछ सरकार को और करना चाहिए, और क्या टैक्स पेयर ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम से जो लॉयल्टी है वो छोड़ पाएगा? देखिए इसमें दो तीन चीजें आती हैं. सबसे पहले तो इतने सालों से हम एक रिजीम देख रहे थे जहां पे हमारे टैक्स पेयर्स को आदत थी कि हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे हैं या हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसमें कुछ छूट मिल रही है. साइकोलॉजिकली हमें लगता था कि ये खर्चा अच्छा है, साथ में हम कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर पाते थे. अब इन्वेस्टमेंट तो चलिए आपके हाथ में है, आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन ये वाले जो खर्चे हैं, हाउसिंग लोन रीपेमेंट या आपके बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस या बेसिक इन्वेस्टमेंट जो आपकी, या LIC की बात करूं या मेडिकल पॉलिसी की, जो आप देखिए हर इंसान करता है आज की डेट में, लेकिन जब वो करता है अब उसको वो टैक्स की छूट नहीं मिल रही. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टैक्स पेयर्स को वो छूट जाते हुए देख के बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा. लेकिन अगर मैं बात करूं नई रिजीम की, डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स के रेट्स काफी कम हैं, और 15-20 लाख की इनकम वाले को भी बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन ये है कि जैसे अभी फिरोज जी ने भी कहा कि आप अगले 10 साल तक की टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स अपनी देख के चलिए, तो थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे लगता है सरकार की तरफ से आनी चाहिए. क्योंकि अगर हमें आगे तक की प्लानिंग करनी है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट अगले 2-3 साल में भी करने की जरूरत है कि नहीं है. जैसे मैं बात करूं कुछ यूलिप पॉलिसीज की, हालांकि आजकल मुझे नहीं पता कितने लोग यूलिप ले रहे हैं, बट आज भी यूलिप जैसे कुछ प्लान्स हैं जहां पे आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट कर ली तो अगले 5-10 साल तक आपको करना है, और उसमें आपको ATC का या कोई आपको छूट मिल रही है. लेकिन क्या वो आपको अगले साल करने की जरूरत पड़ेगी या उसके अगले साल करने की जरूरत पड़ेगी? क्या सरकार ओल्ड रिजीम को हटा देगी और सिर्फ न्यू को रखेगी? फिर तो आप करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे. तो मुझे लगता है सरकार को, जो सरकार की इच्छा है वो मुझे ये दिखती है कि न्यू रिजीम को मेन रिजीम बना के ओल्ड को धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे. लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने साल बाद हम इसको खत्म करेंगे, अगर खत्म करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम, आप बताइए कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, ये दोनों रिजीम चलती रहेंगी और आप कभी भी इसमें कोई भी रिजीम जो है चूज कर सकते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, इसी के साथ साथ थोड़ी सी अवेयरनेस और कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है कि ओल्ड रिजीम हटने के बाद अब न्यू रिजीम में लोग इन्वेस्टमेंट, जो एक फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट करते थे, वो नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी अवेयरनेस और लानी चाहिए कि आपको अगर डिडक्शन नहीं भी मिल रही तो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएशन करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, तो ये थोड़ा क्लैरिटी लाने की यहाँ पर ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि वित्त मंत्री का खुद भी यहाँ पर कहना है कि न्यू टैक्स रिजीम के लाने के बाद हम, उनकी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड सिक्योरिटीज़ है उसमें ना निवेश करके इंसान के पास डिस्पोजेबल इनकम हो टैक्स पेयर के पास, और वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ले, लेकिन उसकी भी जागरूकता यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम में हो सकता है आने वाले समय में हम देखें थोड़ा और यहाँ पर इंसेंटिव सरकार लाते हुए दिखाई दे. लेकिन निकुल सर, जो आप अभी
बात हाईलाइट कर रहे थे कि भारत का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है विज़ जो ग्लोबल सिनेरियो है वो कैसा है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डीएस सक्सेना जी भी मौजूद है, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। सर, आपने काफ़ी सारे फॉरन अकाउंटिंग बॉडी से बात भी की होगी, काफ़ी सारे इंटरेक्शन भी आपने किए होंगे, तो क्या लग रहा है आपको अगर इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखें और ग्लोबल पीयर्स से अपने बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी से कंपेयर करें तो भारत का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम लोगों का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप और देशों की तुलना करिए उसके हिसाब से भी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। हम लोगों के यहाँ हर चीज आज के दिन टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप पहले आज से 15 साल पहले का देखें तो रिटर्न जमा करने के लिए बड़ी लंबी लाइनें होती थी, टैक्स जमा करने के लिए बड़ी लंबी लाइन होती थी, घंटों लोगों को खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज के दिन आप घर बैठे ये दोनों काम कर सकते हैं। फिर अगर हम और देखें तो हम लोगों का जो टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादा इक्विटेबल है, मतलब सबके लिए एक समान है। जैसे कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, उसमें जीरो से अगर एक डॉलर की इनकम हो तो भी टैक्स लगता है, और अगर आप उनका टैक्स कलेक्शन देखें तो जो इंडिविजुअल लोग जो टैक्स देते हैं, इंडिविजुअल और जो कंपनीज टैक्स देती हैं, तो इंडिविजुअल्स लोग कंपनीज से बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, जबकि उनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मुझे याद आता है कि एक बार वॉरेन बफेट, जो कि मतलब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में हैं, उन्होंने कहा था कि वे 17% टैक्स दे रहे हैं और उनकी सेक्रेटरी 35% पे टैक्स दे रही है। तो इस तरह की एनोमलीज जो हैं हम लोगों के यहाँ बहुत कम हैं, तो हम लोगों का टैक्स सिस्टम अच्छा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कि एक कमी हम लोगों की, जो एडवांस कंट्रीज हैं यूके और यूएस, उन्होंने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हमसे बहुत एफिशिएंट बना लिया है। उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और जीएसटी, इनका एक ही कोड बना दिया है और एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इससे बहुत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी आराम होता है, टैक्स पेयर को भी आराम होता है। और हम लोग जो हैं बहुत सालों से, पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, चाह रहे हैं कि एक डायरेक्ट टैक्स कोड ले आए इनकम टैक्स के लिए, वो भी हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। तो इस मामले में हम लोग पीछे हैं, लेकिन हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्ल्ड क्लास है, ये कहने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा टैक्स सिस्टम है अगर दूसरे देशों के मुकाबले कंपेयर करें। कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, देखिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर देश परफेक्ट नहीं होता, तो टैक्स सिस्टम को भी यहाँ पे परफेक्ट करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए निकुंज जी, आज की ब्यूटी यही है कि हर टैक्स एक टॉपिक है लेकिन हर एक सेक्टर से, हर एक सेगमेंट से हम व्यू समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। पैनल इतना अच्छा है हमारा, और अभी हमारे साथ वे जैन भी जुड़े हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ICAI के। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। तो जब टैक्स की बात होती है तो CA की राय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर देखना, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही सारी चीज़ों को, सारे जो कंसेप्ट हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको समझ के आसान भाषा में एक टैक्स पेयर तक लाने की कोशिश करते हैं। ICAI का रोल यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह के प्रोग्राम और ट्रेनिंग आप पहले भी कंडक्ट करते हुए आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। और अब जिस तरीके से नए नए नियम और टैक्स सिंप्लीफिकेशन की तरफ वित्त मंत्री का फोकस बढ़ रहा है, और क्या करने की जरूरत है? देखिए, टैक्स लॉ हर कंट्री में कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं समझना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी इंडिया में एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जो कनेक्ट है टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। जो कानून हर साल बन के आते हैं उस कानून की समझना और एक टैक्स पेयर को समझाना और उसका कंप्लाइंस कराना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट का। एक एग्जांपल आप 2017 से लगा सकते हैं कि जब GST आया और वो अपने आप में नया लॉ, इतना कम्प्लेक्स था,
उसका कंप्लायंस आज की डेट में इंप्रूव करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटरिटी ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। आईसीआई का जो रोल है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वो एवरी डे इतने प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम ड्राइव करता है प्रोफेशनल के लिए। शायद आपको आइडिया होगा कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी इंस्टीट्यूट का मेंबर है उसको एक साल के अंदर 45 और 45 घंटे मिनिमम कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम अटेंड करने जरूरी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने जरूरी। आज की डेट में लगभग 4 लाख मेंबर हैं और देश में एक दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 से 60 प्रोग्राम डेली होते हैं और वीकेंड पे कम से कम 100 से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं विभिन्न सिटीज में, विभिन्न टाउन्स में इसके बारे में। और उन प्रोग्राम के अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनको जितने मेंबर्स हैं उनको अटेंड करते हैं, उनको नए कानून को समझना उसमें क्या कम्प्लेक्सिटी है, क्या उनकी कंप्लायंस के इश्यू है वो होते हैं। और उसी रीच आउट में बहुत सारे प्रोग्राम चैम्बर और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ किए जाते हैं, टैक्स पेयर के साथ किए जाते हैं, ताकि समझाने में टैक्स पेयर को कि नया कानून ये आया है इसमें ये